नई वाली टाटा टियागो ईवी का लॉन्च कंफर्म हो चुका है, जिसको शैलेश चंद्रा जी ने कंफर्म कर दिया है, जो कि टाटा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप लोग ध्यान दोगे कि टाटा उस सेगमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रहा है जहां पर कोई नहीं लॉन्च करता, जस्ट लाइक टाटा नेक्सॉन ईवी। अभी तक वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन हाँ कल लॉन्च हो गई XUV400 एंड टाटा टिगोर। वहां पर भी अभी कुछ नहीं है, बस टाटा टिगोर ही वहां पर अकेले राज कर रही है। एंड नाउ द टर्न ऑफ टाटा टियागो इलेक्ट्रिक, और मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसके लिए, क्योंकि भाई इतनी छोटी गाड़ी वो भी इलेक्ट्रिक के अंदर अभी तक तो इंडिया के अंदर नहीं लॉन्च हुई। तो फिर आज इसी गाड़ी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये सब तो ठीक है, लेकिन टाटा 2028 से पहले पहले अपनी 10 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर देगा, और वो भी बहुत सारे सेगमेंट के अंदर। वी आर कमिटेड टू लॉन्च 10 EVs इन डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स, बॉडी स्टाइल्स एंड अफोर्डेबिलिटी लेवल्स। सो हम लोग टाटा को भी हल्के में नहीं ले सकते, ये काफी भारी ब्रांड है। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या कर रहे हो, वीडियोस काफी तगड़ी मिलने वाली हैं आपको। और अगर इस गाड़ी की बैटरी वगैरह और मोटर वगैरह की बात करें, तो फिर इस गाड़ी के अंदर 26 किलोवाट आवर की बैटरी आने वाली है। मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं समझोगे, थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। टाटा नेक्सॉन ईवी के अंदर जो नॉर्मल वाली है, उसके अंदर 30 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, और कंपनी वहाँ पर 312 रेंज क्लेम करती है, लेकिन वो गाड़ी अराउंड रियल लाइफ के अंदर 210 या फिर खींच खाच के अराउंड 225 तक दे देती है रेंज। लेकिन जो टाटा टिगोर ईवी है, उसके अंदर 26 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, और उस गाड़ी के अंदर कंपनी क्लेम करती है 306, लेकिन वो गाड़ी रियल लाइफ में अराउंड 215 या फिर 220 तक वो गाड़ी भी रेंज दे देती है। एंड ये जो टाटा टियागो ईवी है, इसके अंदर भी 26 किलोवाट आवर की बैटरी आएगी, जो कि सेम टिगोर के अंदर भी आती है। तो फिर यहाँ पर अगर थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, सो टियागो एंड टिगोर के अंदर एक ही बैटरी आएगी एंड एक ही मोटर आएगी, लेकिन टाटा टियागो टाटा टिगोर से अराउंड 144 किलो हल्की है, यानी कि अराउंड यहाँ पर 150 किलो का डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पर आपको रेंज कुछ ज़्यादा मिलेगी, अराउंड 242-250 तक मिल जाएगी रेंज आपको, विथ फुल एंजॉय एसी एंड म्यूजिक एंड सारी चीज़ों के साथ। और एक तरह से आप लोग इस गाड़ी को छोटा रॉकेट भी कह सकते हो, सेम रहने वाला है जैसे कि टाटा टिगोर के अंदर आता है, सेम आपको ऐसा ही इंटीरियर इस गाड़ी के अंदर भी मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जानते होंगे कि अक्टूबर मंथ से हर गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग इंपॉर्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कल फाइनली इस चीज़ का एक TVC भी आ चुका है, जहां पर अक्षय कुमार इस चीज़ का ऐड कर रहे हैं। तो फिर ये देखिए, यही है TVC 6 एयरबैग वाला। घर की गुड़िया पापा की परी जा रही है, ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना। क्या कमी है इस गाड़ी में, ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है, अरे दो नहीं 6 स्पीकर है। अरे पर एयरबैग तो सिर्फ दो है ना, 6 क्यों नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ आगे एयरबैग चलेंगे, पीछे म्यूजिक सुनते सुनते बेटी और जवाई दोनों टाटा बाय बाय हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूंगा, दोस्त हूँ आपका। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब क्यों रो रहे हो, अब तो सुरक्षित है। ऐसो यार, गाड़ी में 6 एयरबैग्स होंगे तो आपकी ड्राइव ज्यादा सेफ होगी।